देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित कर रहे एक गिरोह को पुलिस ने उधमसिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह मानव तस्करी का काम करता था। पुलिस ने गिरोह के पास से 6 नेपाली लड़कियां बरामद की हैं। मोटी कमीशन के लालच में ये गिरोह नेपाली लड़कियों को विदेश भेजता था। जब उन लड़कियों से पूछताछ की गई, जब एनजीओ के माध्यम से नेपाली लैंग्वेज में उनसे बातचीत करी गई, तब पता लगा कि नेपाली लड़कियों को यहाँ से ले जा रहा था और उनको पता ही नहीं था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू किया गया है, नेपाल की एनजीओ जो माइती नाम की एनजीओ है उनकी भी मदद ली गई है और उस एनजीओ को लड़कियों को सुपुर्द किया जा रहा है। दोषी जो हमारे 2 मुलजिम जो दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। मानव तस्करी करने वाले इस गिरोह के पास से 5 पासपोर्ट और वीजा की कॉपियां भी बरामद हुई हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी सदानंद दाते ने कहा कि पुलिस को मुखबिर की सूचना पर इन लड़कियों को दिल्ली ले जाते समय बस से बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जो नेपाल की लड़कियों को विदेशों में सप्लाई करने का काम करता है। लड़कियों को ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है और उनका वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनको प्रॉपर वीजा या उनको एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट ना देकर टूरिस्ट एंट्री वीजा पर भेजकर उनका उत्पीड़न वहाँ पर किया जाता है। एक बार वहाँ पर गल्फ कंट्रीज में जाने के बाद वापसी उनकी नहीं हो पाती। लड़कियों ने पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और नेपाल की संस्था मैती की संयुक्त टीम की पूछताछ में कबूला कि वो नेपाल मूल की निवासी हैं और उन्हें दिल्ली से 2 एजेंटों के जरिए विदेश भेजा जाना था। मानव तस्करी का ही मामला था जो इंटरनेशनल मानव तस्करों के गैंग को रुद्रपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये एकदम सराहनीय बात है और हमें खुशी भी है। नेपाल की ओर से रुद्रपुर पुलिस को हम बधाई भी देना चाहते हैं कि उन लोगों ने इतने अच्छा हेल्प और सपोर्ट किया है हम लोगों को। देवभूमि में लड़कियों को विदेश सप्लाई करने वाले इस गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन पुलिस इसे बहुत छोटी जीत मान रही है। उत्तराखंड से मानव तस्करी को खाड़ फेंकने की कोशिश में जुटी पुलिस को आखिर कब कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी 100 के लिए रुद्रपुर से मनीष की रिपोर्ट। हिमाचल में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। प्रदेश में जहां सत्ता पर काबिज कांग्रेस मिशन रिपीट को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी मिशन 50+ को लेकर मैदान में कूदी है। हिमाचल के रण में कांग्रेस ने सीएम वीरभद्र सिंह के चेहरे पर दोबारा दांव खेला है, तो बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन का दौर जारी है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में अब तक लगभग 200 प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नामांकन के साथ ही दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वीरभद्र सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ अर्की एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। ये मैं देखा ऐसी की स्थिति जो है इसको कई वर्षों से हमने जीत नहीं दी। मैंने चुनाव से पहले ही मैंने मन लगा दिया था कि मैं ऐसी की स्थिति से मांगूंगा यहाँ बैठे हासिल। वहीं बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष ठाकुर के नामांकन में उनके साथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस राज को कुशासन के रूप में जानकर हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का मन बना चुकी है। जिसके लड़ाई में जिसके इन्वेस्टिगेशन में प्रदेश का आईजी और डीआईजी जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आपका और हमारा क्या होगा। इसलिए आप वोट सुभाष ठाकुर को दे रहे हो, आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री और फिर से हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने की चाह रखने वाले प्रेम कुमार धूमल ने भी हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर एवं कमलेश कुमारी का नामांकन दाखिल कराया और इस मौके पर धूमल ने कांग्रेस पर हमीरपुर की अनदेखी का आरोप लगाया। 70 लाख में से सिर्फ 68 लोगों को एमएलए का टिकट मिलता है, इसलिए मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि व्यक्ति का नाम छोड़ो, कमल का चुनाव चिन्ह देखो और मोदी जी के किए गए काम देखो।
हिमाचल की जंग में एक बार फिर बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के फेस पर मैदान में उतरने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। वीरभद्र के पास बीजेपी को घेरने के लिए नोटबंदी और जीएसटी है, तो वहीं बीजेपी के पास भी वीरभद्र को घेरने के लिए उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी फहरिस्त। अब हिमाचल की जनता किसके सर पर सत्ता का ताज सजाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। उत्तराखंड में गुलदारों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला कोटद्वार के रामपुर से सामने आया है, जहां एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। महिला की उम्र लगभग 37 वर्ष बताई जा रही है। गुलदार के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। अपने गायों को घास दे रही थी, इतने में बाघ इनके पीछे पड़ा और बाघ ने इन पे हमला करके उठा के ले गया इनको, और खेतों में यहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में कम से कम ये 2-3 साल से चल रहा है। विभाग को कई बार सूचना दी जा रही है, लिखित में भी सूचना दी गई कि भाई इस साइड में पिंजरे लगाओ, कुछ करो, लेकिन विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल को भी बुलाना पड़ा। वहीं लोगों का आरोप है कि वन विभाग से बार बार अनुरोध करने के बाद भी वन विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गुलदार कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पूरे गांव का मिल के जाना चाहिए ना कि हाँ इनके साथ हमारे साथ हुआ हादसा, किसी के साथ हुआ, अब मेरे साथ जो कुछ मेरे साथ, हमने तो अपने बच्चे को बचा लिया, जैसे भी हुआ हमने उसके पर पैसे लगाए, बचा दिया उसको। इस औरत के साथ क्या वो करेंगे ये लोग, क्या इंसाफ देंगे इनको? इनके बच्चों की रक्षा कौन करेगा, इनके बच्चों को कौन पालेगा? ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने के आदेश जारी करने की मांग की है। ताजा मामला जो है ये तो सुबह जो है उजाले में हुआ, ये मामला जो है ये घर से जो है घसीट के ले गया, ये वो पिंजरा लगा देते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। पिंजरा के कब तक जो है अपना ये तो कई दफे 6-3-4 पिंजरे उन्होंने लगा दिए। जो बाघ है वो तो पकड़ा नहीं गया, अब ये बाघ बन गया आदमखोर। कोटद्वार में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के लिए चुनौती बना ये आदमखोर गुलदार एक के बाद एक लोगों को अपना निवाला बनाता जा रहा है। अब वन विभाग इस आदमखोर से कैसे निपटना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी 100 के लिए कोटद्वार से बलविंदर की रिपोर्ट।